subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi guys, this is Param Singh and you're watching me on India Forums. Param Singh, who was last seen in the show Maryam Khan reporting live and will soon be seen on web shows, was roped in by us and we did a fun first segment with him. So let's begin. First audition. First audition was, I think I was 19 years old. So I went to pick up my sister. So that guy thought that I should act. My sister didn't get that, I got it. And शाम को ही मैंने audition दिया. बहुत nervous था, मैं तो college में था. मैंने audition दिया, I got it. और मुझे पूछा कितने पैसे लेंगे आप. I think Colgate का था. I said 50,000. फ़ोन ही नहीं आया कभी इसके लाइफ में फ़ोन नहीं आया. देन फिर 2013 से आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग एंड फिर काम स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट रिजेक्शन. वही उसी एड में रिजेक्ट, मतलब सिलेक्ट के बाद रिजेक्ट पैसों की वजह से. फर्स्ट एक्टिंग गिग. टीवी शो व्हेन आई वाज वेरी यंग, जादू है बच्चे. आई थिंक 6-7 ईयर्स ओल्ड. बट उसका वो स्क्रैप हो गया. 8 एपिसोड्स आए थे उसके बाद. हम बच्चे इतने खतरनाक बच्चे थे, इतना उनको हमने परेशान किया कि वो प्रोड्यूसर ने हाथ जोड़ लिया, बोला ऐसे बच्चे ज़िंदगी में नहीं देखे हैं मैंने, तो प्लीज़ ये बंद करो शो. और वो शो बंद हो गया. फर्स्ट पे चेक 4,000 रुपये का, गोदरेज का एक स्टिल एड था. और वो भी पैसे वो कोऑर्डिनेटर उसका नाम भी ले के मैं उसको, वो मुझे उसके लिए उसने इतना यू नो नचाया और मैं उसके घर के नीचे पहुंच गया. मैं बोला पैसा दे नहीं तो बहुत. तो फाइनली मिले और वो भी 10% कट के और 15% उसकी फ़ीस थी. मैंने बोला ये हो क्या रहा है. 4,000 रुपये थे तभी 2013 के स्टार्ट में. okay. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे वो पैसे मेरे लिए तभी उस टाइम. फर्स्ट फैन एनकाउंटर. आई डोंट रिमेम्बर यार, साठक में ही होगा कोई सेट पर आया होगा. आई थिंक अंतरा शर्मा नाम की एक फैन है, एक तभी थी. आई डोंट नो, वो अभी तो सुना नहीं उनके बारे में. वो सास वो फैन नंबर 1 कुछ था तो उसमें वो आई थी और वो जीती थी. 2013 या 2014 जैन की बात है. अंतरा शर्मा एंड शी वॉज रियली एक्साइटेड टू सी अस, मीट अस. वी चिल्ड together whole day, we were talking. तो अच्छा था वो एक्सपीरियंस. फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश. आई थिंक पैमेला एंडरसन था मेरा बचपन से. बेवॉच. उसके बाद मेरे तो बहुत ही अलग अलग क्रश हुए थे. मुझे रवीना टंडन पे क्रश था, फिर ममता कुलकर्णी में भी क्रश था मुझे. और अभी कोई पूछता है ना पिछले 5-6 सालों से मुझे कोई इतना वो ऐसा कोई, आई डोंट फैंसी एनीवन दैट वे. को एक्टिंग डिसेंट है बट ऐसा कोई अब नहीं समझ आता. बचपन में तो सब भी सही लगते थे. फर्स्ट ईमेल आईडी. आई यूज्ड टू यूज़ माय सिस्टर्स ईमेल आईडी, जो उसका आज भी करंट है. तो ऑब्वियसली आई वोंट से क्या है, बट बहुत ही गर्ली ईमेल आईडी है, गैल और ये सब उसने लिखा हुआ है. तो मुझे याद है मैं MBA भी जब करने लंदन गया था तो मैंने वो ईमेल आईडी यूज़ किया था. तो जब मैंने अपने प्रोफेसर को सबके सामने बोला मेरा ये ईमेल आईडी, पूरी क्लास हंसने लगी कि ये की का मतलब ये लड़की का ईमेल आईडी क्यों यूज़ करा है. मेरी सिस्टर का था. दैट वाज माय फर्स्ट ईमेल आईडी. फर्स्ट जॉब आई थिंक मैंने पढ़ाई की, फिर मैं UK गया. वहाँ पर मैं बर्गर किंग में काम कर रहा था. वही मेरा फर्स्ट जॉब था. बहुत ही मुश्किल जॉब था, वहाँ पर सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन काफ़ी चीज़ें सीखी वहाँ पे. सो या था आई थिंक बर्गर किंग. फर्स्ट फोन मुझे याद नहीं है. फर्स्ट फोन क्या भाई नोकिया का होगा कोई, और क्या होगा पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी कोई. ऐसे मैंने फ़ोन घुमाया बहुत है. 3310 था क्या मेरे पास भी. सबके पास 3310 होगा ना लाइफ में. मेरे पास भी वही होगा, वो जो स्नेक वाला ना ऐसा इधर से वही होगा शायद, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा. फर्स्ट गॉट स्टारस्ट्रक. नो, आई हैव नेवर गॉट स्टारस्ट्रक, बट आई रिस्पेक्ट लॉट ऑफ एक्टर्स, बट आई स्टारस्ट्रक नहीं हुआ मैं किसी को ऐसा देख के अरे ये क्या है ये शिट. तो होता ना कोई कोई जो चुप्पी हो जाते हैं ऐसे ही देखने लग जाते हैं, मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक कभी. फर्स्ट पर्सन यू फॉलोड ऑन इंस्टाग्राम.
I think I followed Harshita. I followed her, then my mom and everybody. First heartbreak? मेरे स्कूल में ना मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी. मतलब प्यार, अलग लेवल का प्यार. सो मैं ना प्ले कर रहा था और स्टेज पे स्कूल में, मैं प्ले में, मैं ट्री बना था, ट्री, और वो वुड चॉपर बनी थी. सो शी कम्स, शी डज दिस, ऐसे कटिंग, तो मेरे ना दोनों हाथ ऐसे जाते और मुझे हिलना नहीं है. तो जब उसने मुझे ये मारा तो मेरा ये मारा तो ये आ गया. और फिर वो पास होती है, अब मैं तो ट्री हुई तो हिलेगा नहीं, लेकिन मैंने उसको ऐसे ऐसे देखा और मैं सिर्फ उसी को देख रहा हूँ. प्ले में ट्री हिलने लग गया, ट्री ऐसे इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, बट उसको मेरा दोस्त पसंद आया, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसको पटाके ले गया. हालांकि अब तो शादीशुदा है वो लड़की और शी इज गॉट बच्चे. और कॉलेज में मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि मुझे इस पे क्रश था, तब समझ नहीं आता ना. हाँ, दिल टूट गया था मेरा, बहुत बहुत बुरा लगा था मुझे उस दिन. फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड फहद. फर्स्ट डिश यू कुक्ड? फर्स्ट डिश आई कुक्ड, आई यूज टू कुक इन लंदन, बहुत ख़राब. मतलब मेरा खाना तो कोई खा ही नहीं पाएगा मुझे ऐसा लगता है, बट हमने खाया क्योंकि वहाँ पे इंडियन फूड बहुत एक्सपेंसिव है और अच्छा भी नहीं मिलता. तो हमने घर से रेसिपी मंगा के, मटन दाल जो मिले, मटन कच्चा बन रहा है, दाल का तड़का अलग, इतना ख़राब खाना, कभी नमक ज़्यादा. सो आई थिंक वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वापस आके हिम्मत नहीं हुई अभी. फर्स्ट सोलो ट्रिप वॉज ओशो. मैं गया था लास्ट ईयर फॉर अ वीक. आई वॉज देयर ऑल अलोन एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. अदरवाइज कोई मुझे जाने ही नहीं देते यार, कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो आना ही है, चल मैं भी चलता हूँ या चल. सोलो ट्रिप मेरी लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम था. फर्स्ट डेट व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड. उसके पहले तो मतलब स्कूल में तो मैं भाग जाता था लड़कियों से, भाग जाता था. अगर मुझे दिख रही कोई लड़की उधर खड़ी है तो मैं यहाँ से कहीं और ही. कॉलेज में उल्टा हो गया. कॉलेज में सब हो गया और फिर मैं आई बिकेम वेरी कम्फर्टेबल. नाउ मैं बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ही दोस्त है क्योंकि मुझे बहुत यू नो दैट कनेक्शन जो लड़कियों से होता है ना, दैट इज़ वेरी गुड. आई थिंक ऑपोजिट सेक्स से कनेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है रादर देन सेम सेक्स से. लड़कियों के भी मेरी जो लड़कियाँ फ्रेंड्स हैं उनके लड़के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं बहुत जल्दी. तो आई डोंट नो. फर्स्ट क्लब एक्सपीरियंस? आई थिंक मैं 17-18 साल का होऊंगा. तब तो किसी ने मांगा भी नहीं था. मैं अपने मॉम के साथ, उनके दोस्तों के साथ गया था. जू में क्लब था J49 वहाँ पे. मुझे तब क्या समझ आता है, मैंने शायद थम्सअप पी होगी, पता नहीं मुझे. सब डांस वांस कर रहे थे, फिर मैं भी स्टार्ट हो गया था एक दो साल के बाद. मैंने आई स्टार्ट क्लबिंग एंड ऑल. नाउ आई डोंट एंजॉय इट ज़्यादा. फर्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी? तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि तू गाड़ी को ना लोखंडवाला में फुल ऑपोजिट साइड से रिवर्स लेके बिल्डिंग में जा और बिल्डिंग पार्किंग भी रिवर्स में कर. तो मैंने कुछ 2 किलोमीटर गाड़ी रिवर्स में चलाई है सिर्फ उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए. और गाड़ी रिवर्स में 30 के नीचे नहीं जाएगी, 30 के ऊपर ही रहेगी. तो मैंने ये किया और मुझे मतलब रोड पे तो ऐसे लोगों ने क्या क्या बोला है मैं बता नहीं सकता कि ये हो क्या रहा है. तो आई थिंक वो ऐसे मैंने काफ़ी चीज़ें की हुई है, अजीब अजीब चीज़ें. फर्स्ट टाइम यू मेड आउट इन पब्लिक? 19, 20 यार मुझे याद नहीं है सब क्वेश्चंस कैसे. 19, 20. फर्स्ट अल्कोहल एक्सपीरियंस? मेरा बहुत ही एक बिगड़ा हुआ दोस्त है, उसने मुझे आई थिंक हम लोग गोवा गए थे सब लोग, वी वर 18. तो वहाँ पे उसने आई थिंक सब ने ब्रीज़र से ही स्टार्ट की होगी. ब्रीज़र एक चीज़ है, उसमें अल्कोहल कम होता है, जूस टाइप होती है. तो ब्रीज़र पीते पीते फिर बियर आ गई, फिर सब धीरे धीरे. आई थिंक इन गोवा व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड.
कुछ नहीं, उल्टी या पहले तो आप पी लेते हो, मज़ा आ रहा है, उसके बाद सुबह हैंगओवर, रात को उल्टी या सोने से पहले, वही जिसका क्या, फिर आज के बाद नहीं पीऊँगा नहीं पीऊँगा, फिर धीरे धीरे कोई बोलता है ये ब्रीज़र अच्छी चीज़ नहीं है, बियर स्टार्ट करो, फिर बियर पीते हो, फिर बियर अच्छी नहीं है आप स्पिरिट स्टार्ट करो, फिर आप वो पीने की कोशिश करते हो, फिर रम, फिर विस्की, पता नहीं क्या क्या, यू नो आई डोंट ड्रिंक दीस डेज, मैंने थोड़ा कट डाउन किया हुआ है, बट व्हेनेवर आई ड्रिंक रम एंड कोक. फर्स्ट किस? आई वाज 17 एंड वेरी बैड एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या किया था. कुछ भी कर, शिट, मेरे घर वाले देखेंगे यार, ये सब मत पूछो. Lastly, one thing or one experience which you want to have for the first time and is most awaited by you? I really want to do a lot of things first time. बहुत सारी चीज़ें जो किसी ने नहीं की. I think काम को लेके I want to really do well, and life को लेके in general I really want to live and do something significant rather than just working. So yeah, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं है, आई जस्ट वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माय सेल्फ एवरी डे. हाय गाइस, दिस इज परम सिंह एंड यू वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स. वी होप दैट यू गाइस एंजॉयड दिस सेगमेंट विद परम. इफ यू डिड, डू सब्सक्राइब. आशिमा चावड़ा, कैमरा पर्सन मंगेश एंड बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई.